शालीनता का ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं, एकदम सॉफ्ट बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, गुस्से में तो शायद ही किसी ने देखा हो। वो बदलते भारत की तस्वीर के सबसे बड़े गवाहों में से एक, क्योंकि देश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उम्र के इस पड़ाव में रतन टाटा आज भी सपने देखते हैं और सपने देखने वालों की मदद भी करते हैं। देश की इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने नए नए स्टार्टअप में निवेश किया, ये नहीं सोचा कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। पुरानी सोच में नहीं फंसे रहे, ये स्टार्टअप क्या है, इसमें नहीं फंसे, उन्होंने इन्वेस्ट किया स्टार्टअप। लेकिन इस मामले में रतन टाटा का मानना है कि युवाओं के सपनों को सच करना है तो उन पर भरोसा करना पड़ेगा। आज आपको रतन टाटा के जीवन के कुछ रोचक किस्से बताता हूं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2020 में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज पर रतन टाटा से बातचीत के कुछ हिस्से चले। उसमें रतन टाटा ने अपनी इमोशनल कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए उन्हें कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन दिनों तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनका हर तरीके से ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी मां ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छेड़ते थे, उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने शांत रहना सिखाया और यह सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। और ये वो संस्कार हैं जो आज तक उनके साथ बने हुए, जो इतना वो सॉफ्ट और शालीन है, वो उस जमाने में जीवन ने उनको सिखा दिया, उनकी दादी ने उनको सिखाया। दुनिया तो बोलेगी बेटा तुम शांत रहो। रतन टाटा ने इसी में यह भी बताया था कि कैसे पिता के साथ उनके मतभेद थे। रतन टाटा ने कहा था कि वो वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखें। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ना चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में ही पढ़ाई करें। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ना होती तो वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। अमेरिका में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया जो उनके पिता चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया और आर्किटेक्चर की दुनिया आर्किटेक्ट की डिग्री लेकर निकली। इससे उनके पिता बहुत नाराज, लेकिन आखिरकार रतन टाटा ने जो चाहा वही किया। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ने सिखाया था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से और मृदुभाषी होकर भी कही जा सकती है बातें। तो जिनको ऐसा लगता है कि मेरे ही माँ बाप मुझे टोकते हैं, मैं जो चाहता हूं वो नहीं करने देते, रतन टाटा के पिताजी भी अलग सोचते थे और रतन टाटा दूसरी दिशा में सोचते थे। तो बड़ों बड़ों के साथ ये हो चुका। अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा ने वहीं लॉस एंजलिस में नौकरी भी शुरू कर दी और यहीं पर उन्हें प्यार हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच गया। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्प किस्सा भी बताया। उन्होंने बताया था कि एलए लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चर फर्म में उन्होंने करीब 2 साल काम किया। वहां का मौसम शानदार था, उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, उनके पास अब अपनी गाड़ी हो चुकी थी और इसी दौरान लॉस एंजलिस में उन्हें प्यार हो और करीब करीब शादी तक बात पहुंच गई। लेकिन हुई नहीं। हुआ क्या कि उन्हें टेम्पररी भारत लौटने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी पिछले 7 साल से बीमार थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही। रतन टाटा ने सोचा कि जब वो भारत लौटेंगे तो उनके साथ वो लड़की भी भारत आ जाएगी जिससे वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो लड़की भारत आए, और इस वजह से उनकी शादी की बात वहीं पर खत्म हो गई। 2011 में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि उनके जीवन में 4 बार ऐसा हुआ कि बात शादी तक पहुंच गई, 4 बार शादी तक पहुंची, लेकिन हर बार किसी ना किसी डर से वो शादी से पीछे हट गया। हर मौका अलग किस्म का था, लेकिन जब वो इन मौकों से जुड़े हुए लोगों को अब देखते हैं तो लगता है कि शादी ना करने का फैसला बुरा नहीं था। उनका मानना था कि अगर शादी हो जाती तो शायद उनके लिए चीजें और जटिल हो जाती। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करना छोड़ दें, बहुत लोग शादी करके भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं। मुकेश अंबानी है, शादी हुई है, ये नहीं कि कह दीजिए माँ बाप को अब शादी नहीं करूंगा, रतन टाटा बनना, उनसे सीखना है, लेकिन उनका अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है। अमेरिका में नौकरी छोड़कर जब रतन टाटा मुंबई लौटा तो उन्हें टाटा ग्रुप की तरफ से जमशेदपुर में नौकरी दी गई जहां टाटा मोटर्स। अच्छा, ये क्या था कि एक तरह की इंटर्नशिप जिसमें रतन टाटा को 2 हफ्ते एक डिपार्टमेंट में, 2 हफ्ते दूसरे डिपार्टमेंट में रहना था।
लेकिन ये बेकार का काम, क्योंकि वहां रतन टाटा से कोई कुछ कहता तो था नहीं कि करना क्या है। सबको लगता था कि बॉस का बेटा है, इसको क्या बोले। रतन टाटा ने 6 महीने तो इसी कोशिश में निकाल दिए कि वो वहां खुद को कुछ काम का साबित कर सके। इसके बाद रतन टाटा को टाटा स्टील में लगा दिया गया, जहां उन्हें जो काम दिया गया था वो रोचक लगा। जमशेदपुर में रतन टाटा 6 साल रहे। इसके बाद 1971 में रतन टाटा को ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दी, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रतन टाटा ने नेल्को की आर्थिक स्थिति सुधार दी। मतलब उन्होंने चैलेंज के तौर पर लिया और उसको करके दिखाया। उसका मार्केट शेयर बढ़ गया, घाटा भी पूरा हो गया। हालांकि बाद में इमरजेंसी की वजह से आई मंदी और यूनियन की हड़तालों ने नेल्को को भी बंद करवा दिया एक तरीके। इसके बाद रतन टाटा को ग्रुप की सबसे पुरानी कपड़ा मिल इंप्रेस मिल्स को संभालने के लिए कहा गया, जो बड़े घाटे में चल रही। भाई उनको लगा कि एक बार इसने घाटे से उबार दिया, हो सकता अगले बार भी कर दे। इंप्रेस मिल्स को पटरी पर लाने के लिए रतन टाटा ने इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का सोचा, लेकिन यह सफल नहीं रहा। टाटा ग्रुप ने अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों का पैसा इंप्रेस मिल्स में लगाना नहीं चाहा और टेक्सटाइल बिजनेस से निकलना चाहते थे वो। इसलिए 1986 में इंप्रेस मिल्स को आखिरकार बंद कर दिया। बाद में कई सालों बाद एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि सिर्फ 50 लाख का निवेश हो जाता तो इंप्रेस मिल्स की किस्मत बदल जाती। लेकिन कई बार नियति भी होती, वो नहीं हुआ। दो दो कंपनियों के फेल हो जाने के बाद टाटा ग्रुप के सीनियर लोग रतन टाटा से चिढ़े हुए और रतन टाटा पर निशाने तब बढ़ गए जब 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि जेआरडी टाटा को रतन टाटा से बेहतर कोई और नहीं लगा। और तब से अभी तक बीच में कुछ सालों को छोड़कर रतन टाटा ही टाटा ग्रुप को संभालते रहे और उसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा से जुड़ा आज आपको वो किस्सा सुनाता हूं जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 90 के दशक में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के तहत छोटी गाड़ियों का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन 1999 आते आते घाटे की वजह से टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने पहुंचे। डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। ये बात रतन टाटा को चुभ गई, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और मुस्कुराते हुए डील को कैंसिल करने का मन बना लिया। इसके बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा की कारों पर लगाया और साल 2008 में उनकी कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का ग्राफ नीचे आता चला। कंपनी के घाटे को देखते हुए रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स सबसे मशहूर जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि बिल फोर्ड को कंपनी बेचने के लिए मुंबई आना पड़ेगा और यही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि इस डील से आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये बात आपको इसलिए बताई कि बड़ा होने में और महान होने में फर्क है।